जब मेरे मॉम डैड पे बातें आई ये वो, तभी मैंने कहा, पर मैं उसके लेवल तक नहीं गिरा क्योंकि मेरी परवरिश ऐसी नहीं हुई है। कि जब तक मेरे लिए चीजें थी, मैं सहता गया, मैंने कुछ नहीं कहा। पर मैं भी तो दो लड़कियों के लिए, आज अगर मुझे कहा जा रहा है कि आप गलत थे लड़की पे हाथ उठाने के लिए, हाँ जी मैं गलत था। यहाँ पर हाँ, मेरे साथ भी एक मोमेंट ऑफ वीकनेस हुई, मैंने उसके लिए अपोलोजाइज किया। उसके ऊपर अपोलॉजी के टाइम पे मेरा मजाक उड़ा गया, मुझे नीचा दिखाया गया, मैंने फिर भी लिया। हाय जिशान, वेलकम टू ई टाइम्स टीवी। हाउ आर यू? I'm good. Thank you so much for having me here. थोड़ा सा mixed vibe है मेरी अभी तो, yeah, but you know, with the amount of love that I've been getting, I think मैं बहुत खुश हूँ। जब मैं बाहर निकला था, I was in a very 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 low state, एक बहुत ही, I wasn't feeling good at all. Felt like I disappointed a lot of people. Yeah, but then with the amount of love, the amount of support I got, I feel better now. मैं 2 दिन से लगातार, मुझे वीडियोस भेजे जा रहे हैं, मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, ट्वीट्स देख रहा हूँ मैं, सब बहुत सारा प्यार आ रहा है। हाँ थोड़ा हेट भी आ रहा है, बट व्हाट आई एम हैप्पी अबाउट इज जो हेट दे रहे हैं उन्होंने चीजें समझी नहीं है, और जो प्यार दे रहे हैं उन्होंने चीजें समझी है और वो उसके लिए आवाज उठा रहे हैं। तो मेरे लिए, एंड जो प्यार दे रहे हैं, दे फार आउटवे द पीपल हु आर गिविंग वे हेट। तो आई थिंक मैं, आई कुडंट हैव आस्क्ड फॉर एनीथिंग मोर। आई थिंक मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। And Zeeshan, people who have been with you in your journey from BB OTT till now, दे फील अ लिटिल डिसअपॉइंटेड बिकॉज दे थॉट दैट कि आपके साथ बहुत अनफेयर हुआ था बीबी ओटीटी में. एंड यू नो लॉट ऑफ पीपल व्हेन यू वेंट आउट फ्रॉम दैट शो दे फेल्ट कि आपको सेकेंड चांस मिलना चाहिए. एंड व्हेन दे सॉ यू इन लॉकअप दे वर वेरी हैप्पी. सो देर इज अ सेक्शन दैट फील्स डिसअपॉइंटेड ऑल्सो बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ ये प्रोवोकेशन एक बार हो चुका था. सो दिस टाइम यू शुड हैव बीन अ लिटिल मोर केयरफुल. आप यू नो आप दोनों के बीच में जो चीजें हो रही थी वो आपको वर्बली अब्यूज पे अब्यूज करे जा रही थी. एंड यू वर ब्रेकिंग हर थिंग्स. ऐसा नहीं था कि आप यू नो शांत बैठे थे. अगर वो वर्बली आपको परेशान कर रही थी तो आप उनकी चीजें खराब करके उनको परेशान कर रहे थे. यू नो सो यू नो यू कुड हैव लिटिल कंट्रोल्ड योरसेल्फ अगर आपके आसपास के लोग आपको चाबी नहीं देते तो. अगर वहां पे एक दो लोग भी समझदार होते जिन्होंने आपको बैठकर समझाया होता कि तू रिएक्ट मत कर. जैसे एक बार किसी ने आई गेस बोलने की कोशिश की थी, आई थिंक पूनम, पूनम वॉज द वन जिसने आपको आकर बोला था कि वो ये कर रही है, वो तुझे बाहर भेजना चाहती है शो से. दिस वॉज अ स्टेटमेंट. तो यहाँ पे ऐसे भी सेक्शन के लोग हैं जो थोड़ा डिसअपॉइंटेड फील कर रहे बिकॉज दे हैड अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू. व्हाट डू यू हैव टू से? फर्स्ट ऑफ ऑल उनको तो मैं सॉरी कहूंगा ही। अदर देन दैट, इफ आई हैव डिसअपॉइंटेड एनीवन एल्स, पीपल हु हैव गिवन मी सपोर्ट, माय फैंस, पीपल हु लव मी एंड पीपल हु डिड नॉट लाइक व्हाट आई डू, पीपल हु हेट मी, मैं उन सभी लोगों को एक बार सॉरी बोलना चाहूंगा। आई ऑब्वियसली आई डू नॉट प्रमोट व्हाट आई डिड, बट जैसा कि आपने कहा कि एक बार पहले ये अनफेयर हो चुका है, तभी भी प्रोवोकेशन एक एक वही चीज हो जाती है ना। अगर आप प्रोवोकेशन की बात करो तो जो पहला वाला शो था उसमें भी मैंने हाथ नहीं उठाया था पहले, मुझ पर पहले हाथ उठाया गया था। मैंने 2 बार धक्के सहने के बाद, चोक होल्ड में पकड़ के फेंकने के बाद मैंने रिएक्ट किया, बट समहाउ आई बिकेम द रॉन्ग पर्सन। आज यहाँ पर मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा सभी लोगों को, पीपल हु लव मी, पीपल हु हेट मी, और आपको भी। आपने मुझे अभी कहा कि अगर वो प्रोवोक कर रही थी तो ऐसा नहीं है कि आपने उसकी चीजें नहीं तोड़ी, बट क्या आपने 2 हफ्ते के लिए वो देखा जो मेरे साथ हो रहा था? या वी हैव बीन फॉलोइंग द शो
दो हफ्ते मैंने उसकी कोई चीजें नहीं तोड़ी ना मैंने कुछ कहा। हाँ जी जब मेरे मॉम डैड पे बातें आई ये वो तभी मैंने कहा, पर मैं उसके लेवल तक नहीं गिरा क्योंकि मेरी परवरिश ऐसी नहीं हुई है कि कोई कितना भी कुछ कह दे मैं वो लेवल पे नहीं गिर सकता। हाँ एक दो बार मैंने गलत चीजें बोली है बट दैट वाज एंड मुझे ये भी कहा गया था लाइक जब जेलर करण कुंद्रा अंदर आए थे तो उन्होंने मुझे कहा था कि आपको यू नो यू शुड हैव पिक्ड योरसेल्फ अप फ्रॉम दैट सिचुएशन, अपने आप को निकाल देना चाहिए था वो सिचुएशन में, बाथरूम में बंद करके रोना चाहिए था। किया है वो भी किया है, बाथरूम में भी बंद करके रोया हूँ, अपने आप को कॉमन एरिया में भी लेके जाके मैं लेट कर रोया हूँ जहाँ पर मुनावर आके मेरा हाथ पकड़ के बोल रहा था कि भाई सबर कर ले। मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि अगर देखो अगर आप सच में थोड़ा सा लॉजिक लगा के अगर आप देखते हो तो नंबर वन जब तक चीजें मेरे पर थी मैं सब सहता रहा, मैं ना कुछ बोल रहा था ना कुछ कर रहा था ना कुछ यू नो आई डिड नॉट डू एनीथिंग जब तक चीजें मेरे पर थी। मैं इन सभी लोगों को और आपको ये पूछना चाहूंगा कि अगर मैं आपकी माँ बहन गर्लफ्रेंड वाइफ इम्पोर्टेंट पीपल इन योर लाइफ के बारे में कुछ भी कहूँ और इतनी गंदी चीजें कहूँ कि यू नो वो जाके किसी के साथ सो रहे हैं काम के लिए, वो बाहर मैं जब जाऊंगा उस जगह से वो मर गए होंगे, वो आके उसके माँ बाप के पैर छूते हैं। जस्ट टू ऐड जीशान, nobody is supporting you know आजमा. Everyone has been calling out her actions. Everyone has been saying कि वो उसने जो कुछ कहा है वो बहुत ही बिलो द बेल्ट था, वो किसी भी तरीके से जस्टिफाइड नहीं है। कोई भी अगर सुनेगा उसको यू नो जायज है ऑर्गेन, मतलब वो गुस्सा आएगा ही आएगा, बट यू नो यू हैव डन अ रियलिटी शो, वी नो कि ऐसे लोग यू नो रियलिटी शोज में भेजे जाते हैं जो लोगों को प्रोवोक करते हैं और कंटेंट निकालने की कोशिश करते हैं, बट जैसे कि आप लोग पहले से बाहर से यू नो हाथ नहीं उठाने के कॉन्ट्रैक्ट साइन करके जाते हो, फिर यू नो आपने मतलब आई नो कि दो हफ्ते का इज अ वेरी लॉन्ग टाइम, आपने वो सहा है एंड वो आपने कैसे सहा होगा वो आपको ही पता है। मैं वही आपको कह रहा हूँ कि अगर ये रियल वर्ल्ड में अगर आप अपने आप को ये सिचुएशन में डालते हो ना, तो अगर इतनी बुरी चीजें कही जा रही है ना, आप एक बार सहोगे, दो बार सहोगे, तीन बार सहोगे, अगर आप बहुत ही पेशेंट पर्सन हो आप चार से पांच बार सहोगे, छठी बार पे आपका भी रिएक्शन गंदा होगा। मैं दो हफ्ते सहा हूँ, अगर आप उसको दिनों में ब्रेक डाउन करते हो, अगर आप उसको घंटों में ब्रेक डाउन करते हो, तो ये उंगलियां लोगों की कम पड़ जाएगी। इतनी बार मैंने ये सुना है और फिर भी रिएक्ट नहीं किया है, रोया हूँ फिर भी रिएक्ट नहीं किया है। तो मेरा बोलने का मतलब यही है कि जब तक मेरे लिए चीजें थी मैं सहता गया, मैंने कुछ नहीं कहा, पर मैं भी तो दो लड़कियों के लिए, आज अगर मुझे कहा जा रहा है कि आप गलत थे लड़की पे हाथ उठाने के लिए, हाँ जी मैं गलत था, आई अपोलोजाइज फॉर इट। जब जैसे ही मुझे कहा गया कि मैंने गलती की है उसकी सजा है 50 उठक बैठक, मैंने कुछ नहीं कहा, विदाउट एनी एक्सक्यूज मैंने वो चीज की। मेरे को ये भी बोला गया, वहां से मेरे को मॉक भी किया जा रहा था कि 31 टाइम्स हुए है और करो ये करो, जब मैंने 31 के बाद भी गिनती खत्म की मुझे कहा गया 48 टाइम्स हुए है और दो करो जी, मैंने फिर भी वो दो भी किए विदाउट विद यू नो रिपेंट, लाइक एक रिपेंट करने वाला जो एटीट्यूड होता है, एक जो गलती वाला एटीट्यूड होता है उसके साथ, कि आप अगर मुझे और 100 बार भी बोल देते ना मैं वो करता, क्योंकि यस मेरे से गलती हुई है, आई एम ऑल्सो ह्यूमन, मेरे से भी गलती होती है, मैं कोई भगवान का मैसेंजर या कुछ नहीं हूँ, ना मैं कोई रोबोट हूँ कि मैं हर टाइम परफेक्ट रहूंगा, होती है, बट ऑब्वियसली एक अंडरस्टैंडेबल चीज है। अगर आप 6 बार से ज्यादा नहीं सह पाओगे, मैंने 2 हफ्ते सहा है, उसे ब्रेक डाउन कीजिए घंटों मिनटों में दिनों में, और फिर मुझे कहिए कि आप अगर ये रिएक्शन, मैं अभी भी कहता हूँ कि यस व्हाट आई डिड वाज रॉन्ग, बट अगेन आई स्टूड अप फॉर 2 वुमेन, एक जिसके साथ मुझे पूरी जिंदगी बितानी है, एक जिसने मुझे जन्म दिया है, ये दो विमेन जो इतनी इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ में, वहां पर अपने आप को डिफेंड करने के लिए नहीं थी,
कुछ बोलने के लिए 2 हफ्तों के लिए वो भी बाहर सुनते आ रहे थे, अपने लिए कुछ नहीं बोल पा रहे थे उस घर में, मैं उनके लिए खड़ा हुआ, मेरा अगर एंगर निकला या जो भी रिएक्शन निकला वो उनके लिए निकला, बिकॉज दे वर नॉट देयर टू डिफेंड देमसेल्व्स, मैं भी 2 लड़कियों के लिए ही खड़ा हुआ, तो मैं अपने लिए खड़ा नहीं हुआ. तो आई डोंट अंडरस्टैंड वन थिंग, व्हाट जब आप कहते हो कि अ मैन शुड स्टैंड अप फॉर अ वुमन, आई स्टूड अप फॉर 2 इंपॉर्टेंट वुमेन इन माई लाइफ. एक लड़की होकर आप एक लड़की के बारे में इतनी गंदी चीजें बोल सकते हो फॉर 2 वीक्स एंड दैट इज ओके, बट इफ आई टुक अ स्टैंड, यस अगेन अगेन मैं ये कह रहा हूँ, मुझे और 100 बार कहा जाता ना कि उठक बैठक कर लो, या मुझे ये भी कहा जाता कि आप सॉलिड एंड ऑफ द शो तक सॉलिटरी में रहो या वो काला पानी में रहो, मैं रहता, मैं वो सजा ले लेता. बट एंड आई एम सेइंग दैट यस, मैं थोड़ा एक मोमेंट ऑफ वीकनेस में थोड़ा आउट ऑफ हैंड चला गया, बट मैं भी 2 लड़कियों के लिए ही खड़ा था, मैं भी विमेन के लिए ही स्टैंड ले रहा था, अपने लिए नहीं, मेरे कोई ये सेल्फिश मोटिव्स नहीं थे. बिल्कुल. मुझे भी सुन के कुछ हो रहा था कि यार ये लड़की होकर इतनी गंदी बातें कैसे कर सकती है एक दूसरी लड़की के बारे में, एंड स्पेशली समवन्स पार्टनर, समवन्स मदर, आर यू किडिंग मी, इतनी गंदी बात है. आई हैंडल द सिचुएशन, मेरे पे थूका गया विजय लक्ष्मी जी, मैं आपको यही आपके बेड पे थूका गया, मैंने एक एक इंसिडेंट देखा है जीशान, एंड आई एग्री विद यू. बट क्या होता है ना, जब आप एक लड़की के लिए खड़े हो रहे हैं, आप अपनी मॉम के लिए खड़े हो रहे हैं, जेंडर के लिए खड़े हो रहे हैं, और आप उसी के साथ यू नो नेशनल टेलीव्यूजन पे या ओटीटी प्लेटफॉर्म पे व्हेन यू आर लिफ्टिंग योर हैंड, एक बार होता है ना गलती से हीट ऑफ द मोमेंट वो हम समझ सकते, बट 5 बार हुआ है, 4 बार हुआ है, यू नो. बट मैं वही कह रहा हूँ आपको कि अगर ये 4 से 5 बार हुआ है, ये 2 हफ्ते से चलता आ रहा है, और तभी भी अगर आप देखोगे कि ये स्टार्ट कैसे हुआ, मैं चुपचाप अपना टॉवल उठा के, अपना सोप का बार उठा के जा रहा था नहाने टास्क के बाद. बिल्कुल बिल्कुल. एंड शी स्टार्टेड चालू की मदद से कहा मत कर. उसके बाद भी जो सक्सेशन क्लिप्स के दिखाए गए थे ना, वो उल्टे हो गए थे. जो एंड की चीज हुई थी वो पहले बताई गई, और जो पहले की चीज थी, हमने लाइफ तो जब में ये स्टार्ट हुआ, जी, जब ये स्टार्ट हुआ, परेशान किया आपको. जब ये चीज स्टार्ट हुई ना, मैंने तभी कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ अपना ये क्या कहते हैं उसका जो मेकअप है वो लिया और वो मैंने फेंका, और मैं जाके जो उसने मेरा प्रोटीन गिरा दिया था, मैं वो समेट रहा था वापस, मैंने कुछ नहीं किया. उसके बाद वापस वो चीजें बोली गई, वापस वो चीजें करी गई on my mother, on my girlfriend, is when I was like, यार मैं अब क्या करूं? तब मेरा वो एक moment of weakness आया when I did that. उसके बाद भी होने के बाद I was like, don't, मैंने पायल को, मैंने हर एक person को बोला कि ये मेरी माँ, और इस पे जब प्रिंस आया था, प्रिंस के साथ उसने 1 या 2 बार की, प्रिंस को कितना गुस्सा आया था पहले ही दिन पे. Yeah, and he said so many things. मैं ये 2 हफ्तों से सह रहा हूँ. मैं यही कह रहा हूँ कि जब इतनी चीजें एस्केलेट हो गई, तब आके आजमा को करेक्ट किया गया कि आप एक लड़की होकर नहीं कह सकते हो ये चीज है एक दूसरी लड़की के बारे में. तो 2 हफ्तों तक जब मैंने वो हर चीज की, टू इग्नोर, टू अवॉइड, टू से थिंग्स बैक, तभी किसी ने क्यों नहीं रोका उसे. जब ये चीजें इतनी एस्केलेट हुई, तब आपने आके उसे कहा, बट दैट्स व्हाट ना, तब तक तो वो हो गया था. और हम ये जेल में आते हैं एक अपने ये द होल फॉर्मेट इज के एक सुधार लाने के लिए, राइट. लोगों के डार्क सीक्रेट्स जब निकालते हैं, हम ये कहते हैं कि भाई हम इससे बोझ हल्का कर रहे हैं आपका, एंड देयर सम रियली बैड डार्क सीक्रेट्स, तब आप उस पे जज नहीं करते हो, आप उन्हें एक मौका देते हो कि यस आप इस चीज को हल्का कर रहे हो, इस बर्डन को हल्का कर रहे हो, और आप यू नो हम आपको सपोर्ट करेंगे टू बी अ बेटर पर्सन. यहाँ पर हाँ, मेरे साथ भी एक मोमेंट ऑफ वीकनेस हुई, मैंने उसके लिए अपोलोजाइज किया, उसके ऊपर अपोलोजी के टाइम पे मेरा मजाक उड़ा गया, मुझे नीचा दिखाया गया, मैंने फिर भी लिया कि ओके आई विल अपोलोजाइज, मैं इसका प्रायश्चित, आई थिंक वो राइट वर्ड है, प्रायश्चित करूंगा इस चीज का, एंड आई विल वर्क ऑन यू नो बीइंग अ बेटर पर्सन. बट मेरे लिए वो मदद का हाथ कहाँ था, मेरे लिए वो कहाँ था कि यू नो ओके आप भी
इस पे वर्क कीजिए, आप भी प्रायश्चित कीजिए वहां पर. मेरे लिए तो कोई नहीं आया. आफ्टर पायल एंड आसमा बिकेम फ्रेंड्स, आई हैव सीन क्लिप्स वेर पायल हैज टोल्ड आसमा कि ये उसकी दुखती रग है, इसको पकड़ो और इसको दबाओ. Okay. तो आप किसी और के लिए जो उस घर में नहीं है, आप अगर ये कह रहे हो कि हाँ उसकी दुखती रग है, आप दबाओ. इसके पहले भी उसने वायलेंट हुआ था ये एक दूसरे शो में, और वो टैग लगाया गया था उस पे, यहाँ पे उसको इस चीज पे प्रोवोक करो. सो इफ यू आर एंड आप कहते हो कि आई कंसिडर आजमा एज माई सिस्टर, आई कंसिडर आई फील लाइक अ मदर टूवर्ड्स हर, एज अ मदर इज दिस व्हाट यू विल टीच योर चाइल्ड? आप अगर आप एक बड़ी बहन भी अपने आप को बोलते हो, तो आप अपनी छोटी बहन को ये सिखाओगे कि उसकी दुखती रग है, गंदा जाओ उसके गर्लफ्रेंड के लिए, उसके माँ बाप के लिए? लास्ट डे पे जब प्रिंस आया था और प्रिंस भड़का था, दैट इज व्हेन शी फेल्ट के भाई ये एज इट इज प्रिंस हैज हिडन पावर्स, ये पासा हम लोग के लिए गलत हो सकता है. दैट इज व्हेन शी वेंट एंड शी ट्राइड टू प्ले हर वेरी गुडी गुड गेम. तो अगर ये कन्वीनियंस की बात हो जाती है, दो हफ्ते तक आपने कुछ नहीं कहा, आपने एनकरेज किया. अगेन मैं बोल रहा हूँ, मुनावर और ये लोग सबने भी जब मंदना पे वो कमेंट्स हुए, हंसे, इट्स रॉन्ग. मैं अगेन मैं वही पूछना चाहूंगा आपको कि व्हाट इज द कैप ऑन मेंटल अब्यूज. अगर मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आप अगर एक लड़की पे मेंटल या वर्बल अब्यूज हो रहा है, तो हम उसको एड्रेस करते हैं कि हाउ डेयर एनीवन स्पॉइल हर मेंटल स्टेट. अगर यही चीज एक लड़के के साथ हो रही है दो हफ्तों तक, ही हैज टू बी स्ट्रॉन्ग. यू नो, बिफोर रैपिंग अप ज़ीशान, आई वांट टू नो हाउ प्राउड योर गर्लफ्रेंड इज. मैं सबसे पहले आके आई अपोलोजाइज टू, इनफैक्ट जो रात को जो मेरा वो सेक्शन था दीवार का, उस पे मैंने एक बॉक्स बनाया था आफ्टर माय अपोलॉजी, और मैंने तो लिखा था I'm sorry if I disappointed you guys. Yes, that was for my parents, for my mother, and for everyone who has given me love, and for the whole world. Yeah, I'm sorry if I've differed. So, जब अगले दिन मुझे आके कहा गया था कि you हमको वो apology, you didn't look apologetic. तो अगर if I wasn't apologetic, मैं वो क्यों करता आधी रात को अपने दिल से, है ना? पर ठीक है, anyway, खैर रात गई बात गई. जब मेरी girlfriend को जब मैं मिला, जब मेरे पेरेंट्स को मिला, दे वर लाइक व्हाट यू शुड हैव कंट्रोल्ड योर एंगर, बट द वे यू प्लेड योर गेम, ऑब्वियसली वी अंडरस्टैंड कि एक ऐसे माहौल में जहां पर एक दिन एक महीना लगता है और एक हफ्ता एक साल लगता है, फॉर मी मेरे लिए ऐसा था कि एज इफ मैं दो साल से वो सुनता आ रहा हूँ. आप बोलना बहुत आसान है, आप उस घर में जाकर रहिए, फिर मुझे कहिए. मैं आपको फिर भी दो हफ्ते बोल रहा हूँ, मैंने सहा, दो हफ्ते भी एक नॉर्मल पर्सन के लिए मुश्किल है. उस घर में टाइम इतना स्लो जाता है, वो दो साल लगते हैं. मेरे लिए तो मुझे वो लगा जैसे कि मैं दो साल से सुनता आ रहा हूँ, तब जाके मैंने वो रिएक्ट किया. सो दे वर लाइक थोड़ा थोड़ा तुझे काबू कर लेना चाहिए था, तुझे नहीं करना चाहिए था, एंड मैंने उसके लिए अपोलोजाइज किया. बट अदर देन दैट द वे आई प्लेड द गेम, दे वर लाइक बॉस अगेन this trophy was also yours. So I felt you were the one who were playing the game superbly, ekdam honest tarike se. But what that mistake happened, I felt. Exactly. जिसके लिए आपने apologize किया. मैंने जिसके लिए apologize किया, और मैं वही कह रहा हूँ कि एक एक शो जहाँ पर आप कहते हो कि हम आपको यहाँ पर सुधारेंगे, हाँ मैंने गलती की, हाँ मैंने उसके लिए apologize किया, but अगर सबको सुधार का मौका मिला है, तो मुझे सुधार का मौका क्यों नहीं मिला? After taking so much since the first week and still, being someone who makes people laugh, who performs, who has, मस्ती करता रहता है, मजाक करता रहता है. रोजे में मैंने, जब लोगों में इतनी इंसानियत नहीं थी कि भाई खाना बनाओ सबके लिए, मैंने उठा, मैंने बोला मैंने अपनी लाइफ में पहली बार दाल बनाई. वो भी जब मैं पढ़ाई करता था, मैं मेरी मॉम को देखता था कि क्योंकि एक बचपन में होता है ना कि पढ़ाई से ज्यादा आपके आजू बाजू जो चीजें होती है वो फैसिनेटिंग. मैं किचन में ऐसे बुक के साथ बैठता था और मैं मम्मी को देखता था, ओ अरे ये आवाज आई, अरे व्हेन शी पुट्स अनियन ऐसे करके आवाज आती है.
तो वो सब देखते देखते मैंने वही सब मेमोरीज को वापस लाया और मैंने सबके लिए रोजे में दाल बनाई भाई आप लोग खाओ एंड इट वॉज टेस्टी इट वॉज एडिबल और तभी भी मैं मस्ती कर रहा था सबके साथ कि प्लीज मेरी गर्लफ्रेंड और माँ को बोलो कैमरा पे कि अच्छी बनी है तो दैट इज अ काइंड ऑफ पर्सन आई एम बिकॉज मुझे अपने गेम पे भरोसा है क्योंकि मैं एक राइट वे में खेलता हूँ जैसा आपने कहा दूसरे लोगों का अपना गेम होगा बट देन दैट्स व्हाट मेरा बस यही सवाल है कि अगर मैंने दो लड़कियों के लिए स्टैंड लिया तो आप ये कैसे कह सकते हो फेमिनिज्म का एंगल मेरे पे डाल सकते हो और ये वुमेन कार्ड का एंगल मेरे पे डाल सकते हो दूसरी चीज अगर इतने लोगों को इतनी बड़ी चीजों पे सुधार का मौका मिला है तो मेरे अपॉलोजी के बाद भी मुझे सुधार का मौका क्यों नहीं मिला दैट्स इट दैट्स ऑल आई वुड वांट टू आस्क थैंक यू सो मच दिशान ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू थैंक यू सो मच एंड हैप्पी ईद इन एडवांस Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Take care. Bye. Thank you. You too. Bye-bye.